What's up guys, welcome to Munip Tech। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हाउ टू रिकवर डिलीटेड मैसेज ऑन स्नैपचैट, यानी कि स्नैपचैट के अंदर हम डिलीटेड मैसेज को कैसे रिकवर करें, वो भी सिर्फ और सिर्फ वन क्लिक के अंदर। तो गाइज अगर आपको भी जानना है तो फिर बने रहो वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों अगर आप भी स्नैपचैट के अंदर चैटिंग वगैरह करते हैं, अगर आप लोगों ने स्नैपचैट के अंदर चैटिंग गलती से डिलीट किया है, अगर आप भी उस चैट को अब देखना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रियल एंड जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप लोग यूज करके अपने स्नैपचैट के अंदर डिलीटेड मैसेज को आप आराम से विजिट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ वन क्लिक के अंदर। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, प्लीज यार वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, फिर आप कहोगे ट्रिक काम ही नहीं करता है, इसीलिए वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना, राइट। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको हमेशा मस्त मस्त और यूनिक कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ओके दोस्त, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में, यानी कि नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो है गाइस, दिस मुनीब एंड वाचिंग टेक मुनीब, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस चलो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाऊंगा। हाँ जी भाई बंधु, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यदि आपको भी स्नैपचैट के अंदर डिलीटेड मैसेज को रिकवर करना है, वो भी एक क्लिक के अंदर, तो भाई लोग उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ आपको ये वीडियो लास्ट तक और स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, राइट। तो गाइस सबसे पहले आपको स्नैपचैट की जो ऐप है वो आपको ओपन करनी है, उसके बाद फिर आपको यहाँ स्नैपचैट का अकाउंट लॉगिन करना है, राइट। उसके बाद फिर आपको ऊपर दिखेगा प्रोफाइल आइकन, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपको ऊपर दिखेगा सेटिंग आइकन, आपको इसी पर टैप करना। उसके बाद फिर आपके सामने सारी सेटिंग्स डिटेल आ जाएगी, सिंपली आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे आपको यहाँ दिखेगा एक ऑप्शन माई डाटा, आपको इसी पर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे फिर आपके सामने ये कुछ लोडिंग लेगा, सिंपली आपको वेट करना है। तो गाइज उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ स्नैपचैट आईडी का यूज़र नेम एंटर करना है, राइट। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना, फिर आप लोग ऐसी कॉमेंट्स करते हैं नॉट वर्किंग वगैरह वगैरह, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, फिर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो गाइज यूज़र नेम को एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पासवर्ड भी एंटर करना है। तो दोस्त पासवर्ड को एंटर करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पे टैप करना है। जैसे आप लॉगिन पे टैप करोगे ये लॉगिन हो जाएगा, राइट। तो गाइज फाइनली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग आर्टिकल रीड कर सकते हैं, आप क्या क्या अपने इंस्टाग्राम के अंदर रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर बात की चैट को कैसे रिकवर करें। तो गाइज यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, चैट हिस्ट्री को भी आप रिकवर कर सकते हैं, रिसीव्ड जो सामने वाले बंदे ने भेजा है आप लोग उसकी चैट भी रिकवर कर सकते हैं, सेंड जो आपने भेजा वो भी आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे सबसे पहले आपको यहाँ दिखेगा ईमेल एड्रेस, सिंपली आपको यहाँ एक्टिव ईमेल एड्रेस एंटर करना है, जिस पर आपको मेल स्नैपचैट वाले मेल भेजेंगे। तो गाइज सिंपली आपको यहाँ एक्टिव ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद फिर आपको वही कंफर्म ईमेल एड्रेस वही आपको डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ देखिए साइड में सबमिट, आपको सबमिट पर टैप करना है। तो गाइस जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पर टैप करोगे फिर आपको कुछ मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर आपके मेल पर एक डाउनलोड फाइल आ जाएगा, सिंपली आपको वो फाइल डाउनलोड करना है। उसके बाद फिर आपको प्ले स्टोर की जो ऐप है वो आपको ओपन करनी है। जैसे आप प्ले स्टोर की ऐप ओपन कर लोगे फिर आपको यहाँ टाइप करना है जेड आर्चिवर, राइट। तो गाइस जेड आर्चिवर टाइप करने के बाद फिर आपके सामने जेड आर्चिवर की जो ऐप है वो आ जाएगी, सिंपली आपको इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर आपको ओपन पे टैप करना, जैसे आप ओपन पे टैप करोगे फिर आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ स्नैपचैट का फोल्डर फाइंड करना है। तो गाइस उसके बाद फिर आपको वहाँ आप लोग खुद ही देखना उसमें कौन कौन सी चैटिंग वापस आई है, राइट। जी हाँ दोस्त, अगर आप भी अपने स्नैपचैट के अंदर इस ट्रिक को अप्लाई कर लोगे उसके बाद आप लोग खुद ही रिजल्ट वगैरह देखना और फिर आप लोग अच्छे से कमेंट भी करना, राइट। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करना ना भूले, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।